कैमरे के टर्म्स में अक्सर लोगों को बात करते हुए सुना है अपर्चर के बारे में। वेला अपर्चर क्या होता है इस वीडियो में हम जानेंगे। अपर्चर का मतलब एक सिंपल होल होता है जिसके थ्रू लाइट पास होती है और ये लाइट सेंसर तक पहुंचती है। अपर्चर को आप एक शटर की तरह मान सकते हैं। जब आप मोबाइल के फोटो को क्लिक करते हैं तो एक सेकेंड से कम टाइम के लिए वो शटर ओपन होता है और फिर क्लोज हो जाता है। अब इस शटर का जो साइज है वही हम अपर्चर के थ्रू डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितना ज़्यादा लाइट सेंसर तक पहुँचेगा उतनी ही ज़्यादा वो डिटेल्स कैप्चर कर पाएगा। अब अपर्चर को जो मेजर किया जाता है, आप नोटिस करना f/1/2, f/4, f/22, मतलब इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है। अब जितना ज़्यादा नंबर कम होगा उतनी ही ज़्यादा लाइट सेंसर तक पहुँचेगी, और जितना ज़्यादा नंबर कम होगा उतना ही हम मानते हैं कि उसकी कैमरा क्वालिटी या कैमरे की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी, क्योंकि ज़्यादा लाइट पहुँच रही है यानी ज़्यादा चीज़ें कैप्चर कर रहा है और उसका अपर्चर उतना ही कम है। तो अपर्चर जितना ज़्यादा लो होगा उतनी ही आपकी इमेज क्वालिटी अच्छी होने वाली है। अब एग्जांपल के लिए मार्क कर लेते हैं, अगर अपर्चर 1.4 है यानी f/1.4 यानी वो नाइट मोड में एक अच्छी इमेजेस कैप्चर कर पाएगा। लेकिन कहीं अगर आपका अपर्चर f/22 है यानी कि वो दिन में जो है वो लाइट अच्छी इमेज अच्छी कैप्चर करेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा इमेज नाइट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को सेंसर तक पहुँचाने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए शटर को जितना ज़्यादा ओपन कर दिया जाए उतना ज़्यादा अच्छा होता है, और ये जो नंबर है ना वो उस शटर के डायमीटर को डिफाइन करता है।